ये सैमसंग का सीआरटी टीवी है 14 इंच का 14 इंच का। इसमें जो है ये प्रॉब्लम है कि ये चलते चलते बंद हो जाता है और कभी कभी ये स्टार्ट भी नहीं होता है, केवल रेड इंडिकेटर चलता रहता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ड्राइवर को सप्लाई जाने वाला ये पार्ट जो है ये डैमेज है और ये बर्न किया हुआ है ये पार्ट। ये रेजिस्टेंस 100 ओम का जो कि 8 वोल्ट सप्लाई जो है ये आईसी को जो है मेन जो प्रोसेसर आईसी है उसको जाता है। तो अभी हम लोग जो है इसको पलट करते हैं पीसीबी को और ये जो है इसमें जो है ये वर्टिकल को सप्लाई जाता है ये ईएसटी से 16 वोल्ट यहाँ से रेजिस्टेंस और ये डायोड के द्वारा ये सप्लाई जो है ते हुए यहाँ डायोड और ये जो है सप्लाई यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस के द्वारा ये ड्राइवर के ऊपर जा रहा है। तो इसका जो है फिर यहीं से जो है ये वर्टिकल का जो सप्लाई है यहाँ से एक रेजिस्टेंस 100 ओम का जो बल्ब किया हुआ है और ये एसी पे जा रहा है यहाँ से यहाँ कॉइल और ये 8 वोल्ट जो है ईएसटी बनाने के लिए जो है ये इसमें एसी में जाता है जो कि हीट होने के कारण रेजिस्टेंस कभी कभी कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण ये नहीं सप्लाई पहुंच पाता है। जिस समय सप्लाई नहीं पहुंचता है उस समय ईएसटी नहीं बनता है और टीवी ऑन नहीं हो पाता है। तो अभी हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे क्या होता है। जला हुआ रेजिस्टेंस निकल चुका है, अब ये जो है चेंज किया जा रहा है रेजिस्टेंस जो मैंने लगा दिया नया रेजिस्टेंस 470 ओम्स का। ये जो है यहाँ सोल्डरिंग कर ये मैंने इसे लगा दिया है, पावर दे दिया है और ये रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया मैंने। यहाँ चेक करता हूँ ये देखिए ये यहाँ पे 14 वोल्ट का लगभग आ रहा है 15 वोल्ट ये वेरी कर रहा है। अभी ये सही नहीं हुआ है ये हुआ अभी ये रेजिस्टेंस मैंने 470 ओम का लगाया था जो कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था क्योंकि वो हाई पावर का रेजिस्टेंस लग गया था। अभी मैंने 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है तो ये वोल्टेज जो है कंटिन्यूस चल रहा है और ये 5.96 वोल्ट के लगभग ये एसी को सप्लाई जा रहा है जो कि ओरिजिनल आउट सप्लाई करता है। ये देखता हूँ ये ऑन हुआ कि नहीं, अभी ये फिलामेंट चल रहा है और ये चल चुका है चल गया है ये चल रहा है लेकिन अभी इसमें कुछ फॉल्ट है क्योंकि ये रेजिस्टेंस काफ़ी हिट हो रहा है लेकिन इससे ये 100 ओम की जगह इसमें 10 ओम का लगाता हूँ तब ये जाके सही हो पाएगा, कोई हिट भी नहीं होगा। अभी मैंने ये 47 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है जो कि नॉर्मल हिट हो रहा है और अभी यहाँ वोल्टेज भी 8 वोल्ट आना चाहिए था तो लगभग 8 वोल्ट सप्लाई आ चुका है, ऐसे भी हिट हो रहा है। तो ये
ये रेस्टिंग जलने के कारण ये आईसी जो है चिप ये हीट होकर के खराब हो चुका है। अभी ये रिप्लेस करना पड़ेगा इसका आईसी, क्योंकि ये ओवर हीट हो रहा है और टीवी चल रहा है। तो अभी इसको वेट एंड वॉच में रखूँगा, एक घंटे चलने के बाद पता चल पाएगा कि ये सही हुआ या नहीं हुआ। तो ये है ओवल टीवी का फुल ब्रांडिंग, सैमसंग सीआरटी का।